हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं अपने घर में ही मौजूद हूँ और मेरा ये मिक्सर है, इसकी मैं ज़रा साफ़ सफाई कर रहा हूँ। कुछ दिनों से ये सही नहीं चल रहा था। ये मेरा वही मिक्सर है जो मुहर्रम के अंदर जो है ये है कि मैं इसको बनाते वगैरह चलाता हूँ, और ये मैंने इसको इस तरीके से खोल लिया है। कि हम करेंगे थोड़ी सी साफ़ सफाई, अंदर मिट्टी विट्टी डस्टिंग बहुत हो गई है। और ये पूरा पाकिस्तानी PMD मिक्सर है, स्टोरियो मिक्सर, और ये मेरे पास मौजूद है घर में, मेरे अपने ही घर में। मैंने परचेज़ किया था ये 2019 में 45,000 का, यानी कि 45,000 का ही लिया था। इसके स्पीकर भी रखे हुए हैं और स्पीकर के तार ये रखे हुए हैं यहाँ पे, ये इसके स्पीकरों के तार हैं। और अब हम इसकी साफ़ सफाई का जो काम है वो शुरू करेंगे। ये मेरे पास है, ये ब्रश है ये मेरा, और हम इसको इस तरीके से पहले मिट्टी हटाएंगे। अंदर बहुत डस्टिंग हो गई है इसकी, कोई तार नहीं निकालेंगे हम लोग इसमें से। बस ये है कि इसकी जो डस्टिंग साफ करेंगे। और कहीं पे कार्बन आ जाता है तो उस कार्बन को हटाने के लिए, उसको साफ करने के लिए WD-40 मारेंगे। WD-40 कार्बन रिमूवर होता है ये, इससे कार्बन हटता है। मैंने आपको पहले भी इसका काम दिखाया है, ये WD-40 आइकॉन कंपनी का, ये मैंने 150 का परचेस किया था। और इसको जो मैं है ये यूज़ करूँगा यहाँ पे असल में इसके वायर लगते हैं, और ये इसकी नलकी है, और ये मैं इसको यहाँ पे ऐसे यूज़ करूँगा थोड़ा सा इधर। अंदर जो है ये कार्बन काटता है, ये इसका काम है कार्बन काटना। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, इसमें भी वो आ जाता है, कार्बन आ जाता है। इसमें तो नहीं मार, इसमें नहीं मार, इसी पर डस्टिंग हटा लेता हूँ। और बाकी ये इसके सारे, ये इसके बटन हैं, और ये बटनों के पीछे इसके सारे वो लगे हुए हैं, तार हैं यहाँ पर मौजूद। तो हम ये करके यूँ कर लेंगे, और ये अपना मिक्सर जो है पूरा ये ओपन हो चुका है। इसकी तो मैंने साफ़ सफाई कर दी है पहले ही, और जैसे कि आप ये देख रहे हैं इसकी मैंने साफ़ सफाई कर दी है। और ये इसके तार वगैरह के कनेक्शन ये साफ़ कर दिए हैं मैंने। भाई अच्छी मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये मेरा चैनल है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। आप सब्सक्राइब करेंगे मैं समझूंगा कि आपका प्यार है मेरे लिए, मोहब्बत है। और इसको मैं आपको टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा अभी अगली वीडियो में। बस ये इसकी थोड़ी सी साफ़ सफाई कर रहा था मैं, ये मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं।
भाई थोड़ा सा बहुत जो काम होता है ना वो इंसान को थोड़ा आना भी चाहिए। ये है कि ये इसके तार वगैरह को नहीं छेड़ो, बाकी जो इसके अंदर डस्टिंग आ जाती है वो डस्टिंग इंसान साफ़ कर ले तो ये थोड़ा सा बच जाता है ये। और इसकी मेंटेनेंस अपनी चीज़ों की हमें खुद रखनी चाहिए। भाई अच्छी वीडियो आप लोग अगर पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करनी है, और मज़ीद मेरी एक्टिविटीज़ देखने के लिए आप चैनल मेरा सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये तकरीबन ये साफ़ हो चुका है भाई। अच्छी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।